पाकिस्तान का एक नागरिक है, नाम है आबिद अली खान। वो दुनिया के किसी भी आतंकी संगठन से नहीं जुड़ा है, फिर भी वो दुनिया के लिए इतना बड़ा खतरा है कि अमेरिका ने उस पर 20 लाख डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है। तो आखिर कौन है आबिद और वो ऐसा करता क्या है कि अमेरिका उसे दुनिया के लिए इतना बड़ा खतरा मानता है, आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी नागरिक आबिद अली खान। भले ही किसी आतंकी संगठन से नहीं जुड़ा है, लेकिन वो दुनिया के लिए खतरनाक है। इसकी वजह यह है कि वो फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा मानव तस्कर है। अमेरिका के गृह विभाग का दावा है कि आबिद का नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो पाकिस्तान, खाड़ी के देशों और दक्षिण एशिया के दूसरे देशों से लोगों को गैरकानूनी रूप से अमेरिका भेजता है और इसके बदले में लोगों से करोड़ों रुपए वसूल करता है। अमेरिका गैरकानूनी रूप से अपने यहाँ दाखिल लोगों को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और इसी वजह से उसने आबिद की सूचना देने पर 10 लाख डॉलर और उसकी गिरफ्तारी पर अलग से 10 लाख डॉलर यानी कि कुल 20 लाख डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं नेड प्राइस। उन्होंने बताया है कि आबिद अली खान पाकिस्तान से ही अपना पूरा नेटवर्क चलाता है। एशिया के किसी भी देश के नागरिक को गैरकानूनी तरीके से अमेरिका भेजना हो तो वो पहले उसे पाकिस्तान बुलाता है, फिर वहाँ वो उनके जाली दस्तावेज तैयार करवाता है और फिर उन्हें ऊबड़ खाबड़ रास्तों से अमेरिका की सीमा में दाखिल करवा देता है। इसके लिए कई बार लोगों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है। अमेरिका के मुताबिक आबिद अली खान ने 2015 से 2020 के बीच अपने नेटवर्क को इतना बड़ा किया है जिसके जरिए वो अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से लोगों को भेजता रहता है। अभी इसी साल 7 अप्रैल 2021 को US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आबिद अली खान के खिलाफ एक आरोप को खारिज कर दिया था। तब अमेरिका के गृह मंत्रालय ने आबिद पर आरोप लगाया था कि उसने अवैध तरीके से एलियंस को अमेरिका में दाखिल करवाया था, यानी कि अभी तक वो मानवों को दाखिल कराता था, अब उसने एलियन को भी दाखिल करवाया था। लेकिन अब फिर से अमेरिका ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उसके खिलाफ 20 लाख डॉलर का इनाम घोषित कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि यह इनाम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिवार्ड्स प्रोग्राम यानी कि TOCRP के तहत दिया जाएगा। अमेरिका में 1986 में शुरू हुए इस कार्यक्रम के बाद अब तक 75 खतरनाक अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें जेल भेजा जा चुका है। इसके लिए अमेरिका की ओर से करीब $135 मिलियन की इनामी राशि भी दी जा चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट।